हेलो बडीज, ज्ञान बाबा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, गलती से मिस्टेक में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ब्लाइंड के बारे में। क्या आपको पता है कि ब्लाइंड वर्ड एनसीईआरटी में कितनी जगहों पर यूज हुआ है? 8 जगहों पर ब्लाइंड वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है। 8 अलग अलग तरह के ब्लाइंड यहां पर आपको बताए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। पहला है ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ये जो ब्लाइंड ट्यूब्यूल है बेटा, इनका नंबर होता है 6 से 8। ब्लाइंड ट्यूब्यूल जिन्हें हिपेटिक या गैस्ट्रिक सीका कहा जाता है, पता है कहां पर? कॉकरोच में। ये कॉकरोच में पाई जाती हैं, ठीक है? तो कॉकरोच में ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं उसमें आपको ये मिलता है। ब्लाइंड सैक की बात करें, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लाइंड सैक सीकम होता है। सीकम को एनसीईआरटी ने ब्लाइंड सैक लिखा। नीट में सवाल पूछा गया है। ब्लाइंड स्पॉट, ये पता है कहां पाया जाता है? ब्लाइंड स्पॉट हमारी आई में प्रेजेंट है, और ये वो जगह है हमारे आई के रेटिना में जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती है, यानी रॉड और कोन नहीं पाई जाती हैं। यानी ब्लाइंड स्पॉट वो जगह जहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस। ये देखो, कलर ब्लाइंडनेस बेटा एक एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। स्नो ब्लाइंडनेस, इसकी बात करें बेटा तो स्नो ब्लाइंडनेस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, और इसका कारण है हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें बेटा तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है। और ब्लाइंड अप्रोच की बात करें तो ब्लाइंड अप्रोच को कहा जाता है सिक्वेंस एनोटेशन, इसे सिक्वेंस एनोटेशन का नाम दिया जाता है। और बेटा नीट 2022 में सवाल पूछा गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टॉपिक में आपको दिया गया ब्लाइंड अप्रोच। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक ईएसटी दिया गया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जहां पर केवल कोडिंग सीक्वेंसेस को कंसीडर करते हैं, लेकिन ब्लाइंड अप्रोच में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस को हम कंसीडर करते हैं, और बाद में रीजन को मार्क करते हैं कि ये कोडिंग हो रही है नॉन कोडिंग, जिसको सीक्वेंस एनोटेशन का नाम दिया जाता है। तो एनसीईआरटी में 7 टाइप से ब्लाइंड आपको बताए गए हैं, जो आसानी से यहां पर आप याद कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियोस को तैयार करने में कई घंटे कई दिन लगते हैं, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी के 38 चैप्टर छानने के बाद में ये निचोड़ आपको मिलता है, ये फिल्ट्रेट आपको एक्चुअली मिल रहा है। तो मतलब समुद्र का पूरा मंथन करने के बाद ये अमृत आपको मिल रहा है, तो इस अमृत का मजा लें। लेकिन लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में नई गलती से मिस्टेक के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद।